Hello friends, welcome. Today we are going to learn the difference between the Miele and Murre machine. So आज हम पढ़ने वाले हैं basically difference क्या है Miele और Murre machine के अंदर. So हमने already Miele machine और Murre machine जो है वो कर ली है complete with examples. So अगर अभी तक आपने friends मेरी video नहीं देखी है please आप उसे watch कीजिए ताकि आपको clear हो जाए. आज हम पढ़ने वाले हैं just उनके differences जो कि हमें दिखने को मिलते हैं दोनों के बीच में. Miele मशीन में क्या है कि जो आउटपुट है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट एंड द प्रेजेंट इनपुट. Miele मशीन के अंदर जो आउटपुट होती है वो प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट दोनों पे डिपेंड करती है. बट इन केस ऑफ Murre मशीन आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट. Murre मशीन के अंदर सिर्फ प्रेजेंट स्टेट के बेसिस पर ही जो भी हमारी आउटपुट है वो हमारी आउटपुट उस पर डिपेंड करती है. Miele मशीन में क्या है जनरली इट हैज़ द फ्यूअर स्टेट्स ऑन द Murre मशीन. इसके अंदर जो स्टेट्स होती है उनकी बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू Murre मशीन. सो Murre मशीन में जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं दे विल बी ग्रेटर देन द Miele मशीन ड्यू टू दिस फैक्ट. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द आउटपुट फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांजिशंस एंड द चेंजेस व्हेन द इनपुट लॉजिक ऑन द प्रेजेंट स्टेट इज डन. जो भी हमारा आउटपुट फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो क्या है कि हमारा फंक्शन ट्रांजिशन फंक्शन ठीक है. जब भी कोई भी चेंज अक्कर होता है जब कभी भी हम कोई भी इनपुट देते हैं किसी प्रेजेंट स्टेट पर तो उसके बेसिस पे जो भी हमारा आउटपुट फंक्शंस होते हैं तो वो उसके साथ एसोशिएट रहते हैं इनपुट्स के साथ. बट यहाँ पे Murre मशीन में क्या था कि हमने पढ़ा कि जो आउटपुट फंक्शन है वो हमारा डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारी स्टेट के साथ प्रेजेंट स्टेट के साथ. सो द वैल्यू ऑफ द आउटपुट फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ द करंट स्टेट एंड द चेंजेस एट द क्लॉक एज. जो भी चेंजेस होते हैं क्लॉक एज पे व्हेन एवर द स्टेट चेंजेस अक्कर. जब कभी भी स्टेट में चेंज आएगा तो उसके साथ साथ आपका आउटपुट फंक्शन जो होगा उसके अंदर जो चेंज आएगा क्लॉक है जिसके अंदर. नेक्स्ट इज Miele मशीन रिएक्ट फास्टर टू द इनपुट्स दे जनरली रिएक्ट इन द सेम क्लॉक साइकिल. Miele मशीन जो है वो फास्टर रिएक्ट करते हैं देन द टू द इनपुट्स देन द Murre मशीन और वो सेम क्लॉक साइकिल में जनरली रिएक्ट करते हैं. बट जो Murre मशीन है उसके अंदर हमें ज़्यादा लॉजिक चाहिए ज़्यादा डिकोडिंग करनी पड़ेगी आउटपुट्स को जिससे क्या होगा कि ज़्यादा सर्किट डिले आएगा और इसके कारण इसमें हमारा जो रिएक्शन रहता है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू Miele मशीन. और इसमें एक क्लॉक साइकिल लेटर जो है हमें रिएक्ट करता है ये हमारा Murre मशीन. सो फ्रेंड्स आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल बी क्लियर. थैंक यू फ्रेंड्स. इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.